हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो? उम्मीद करता हूँ बड़े होंगे। आज मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ रियलमी C33 जो डिवाइस है, इसमें आपको नोटिफिकेशन पैनल को कैसे चेंज करना है। सो वही इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊंगा। वीडियो शुरू करने से पहले मैं आप लोगों को एक छोटा सा रिक्वेस्ट करना चाहूंगा, अगर आप लोग इस वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया तो जल्दी से लाइक करो, और इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब करो। हाँ, चलिए मैं आप लोगों को बताता हूँ कैसे आपको चेंज करना है। दोस्तों, वो काम करने के लिए आपको एक एप्लीकेशन का जरूरत पड़ जाएगा। सो ये आपको कैसे और कहाँ से डाउनलोड करना है वो मैं वीडियो का लास्ट में आपको बता दूंगा। सो ये आपको करना है, इंस्टॉल करके ये ओपन करना है। ओपन करने का बाद कुछ इस तरह का दिखता है। उसके बाद ये जो डुअल सिम वाला ऑप्शन है, ये आपको यहाँ पे ऑन करके यहाँ पे एलो पे क्लिक कर देना है। उसके बाद ये एक्सेसिबिलिटी वाला जो ऑप्शन है, यहाँ पे भी आपको आना है। आने के बाद यहाँ पे कुछ डायरेक्ट ऐसा एक्सेसिबिलिटी का सेटिंग पे चला जाएगा। उसके बाद आपको यहाँ पे क्लिक करके या जो यूज MI कंट्रोल सेंटर वाला जो ये आपको यहाँ से इनेबल कर देना है। इनेबल करने के बाद यहाँ पे आप एक ऑप्शन देख पा रहे हैं, यहाँ पे एलो वाला एक ऑप्शन आ गया। इस येलो पे आपको कर देना है क्लिक। क्लिक कर देने के बाद आपको यहाँ से फिर से बैक चलाना है। आने के बाद यहाँ पे आप और भी एक यहाँ पे सेटिंग दिखाई दे रहे हैं, यहाँ पे आपको करना है क्लिक। क्लिक कर देने के बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं MI कंट्रोल सेंटर, यहाँ पे आपको क्लिक करके ये जो येलो नोटिफिकेशन एक्सेस है यहाँ पे आपको कर देना है क्लिक। क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको कर देना है येलो। येलो पे क्लिक कर देने के बाद ये जो हमारा है ये अभी यहाँ पे पूरा तरह से सेटअप हो चुका है। अब मैं आप लोगों को बताता हूँ ये अभी वर्क कैसे करता है। जैसे कि आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, जैसे मैं ऊपर से ऐसे किया, यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे नोटिफिकेशन पैनल का यहाँ पे कुछ यहाँ पे आ गया। यहाँ पे आपको कर देना है एलो। एलो कर देने के बाद यहाँ पे ये सेटिंग में आ जाएगा। उसके बाद यहाँ पे आपको ये भी ऑन करके आप लोग अभी ये जो नोटिफिकेशन पैनल का जो मजा है वो अभी उठा सकते हैं। जैसे कि आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं क्या अमेजिंग लग रहा है। ऐसे करके आप भी रियलमी C33 जो डिवाइस है इसमें आप नोटिफिकेशन पैनल को चेंज करा सकते हैं। जैसे कि आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ से मैं वाईफाई वगैरह भी ऑन कर सकते हो। जैसे कि आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं वाईफाई फिर से मैं ऑन कर दिया, आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं वाईफाई भी ऑन हो गया। अब मैं आप लोगों को बताता हूँ ये आपको डाउनलोड कैसे करना है। सिर्फ डाउनलोड करने के लिए आपको डायरेक्ट चला जाना है आपका आपका फ़ोन का जो प्ले स्टोर एप्लीकेशन है वहाँ पे आपको चला जाना है। यहाँ पे आने के बाद यहाँ पे आपको सर्च करना है MIUI नोटिफिकेशन पैनल। यहाँ पे सर्च करने के बाद यहाँ पे आ जाएगा। उसके बाद ये जो एप्लीकेशन है ये आपको यहाँ से इंस्टॉल कर लेना है। सो ऐसे करके आप भी रियलमी C33 डिवाइस में आप नोटिफिकेशन पैनल को चेंज कर सकते हो। उम्मीद करता हूँ आज का वीडियो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल हुआ। अगर हेल्पफुल हुआ तो वीडियो को लाइक करो। ऐसे रियलमी C33 रिलेटेड वीडियो पाने के लिए आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। जो आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।